तो कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। और बच्चे, हम लोग आज देखिए 2015 का हल देखेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप इससे पहले सारा बना के आए, और पहली बार जब आए चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर से। देखिए, ये हम लोग 2015 में पूछे गए सवाल है, उसको हल करेंगे आज। आप सभी जानते हैं, इसीलिए तो आए हैं यहाँ पे। चलिए, क्या बना नहीं क्या आप लोगों से? अरे नहीं बना। अच्छा ठीक, अभी बन जाएगा। देखिए चलिए, तो ये 2015 का प्रश्न जे रहा आपकी स्क्रीन पर। एक मिनट, तनी सा हमको समय दीजिए। चलिए, तो पहला प्रश्न बताइए कि 35/10 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है? सिंपल है। आप ऐसे में क्या करते हैं, आप सभी जानते हैं परिमेय संख्या को कभी भी देखा जाता है जिसका दशमलव शांत रहता है। जैसे मैं कह दूं 0.25, और इधर उदाहरण लेता हूँ 0.75, और इधर उदाहरण लेता हूँ 0.355। आइए देखते हैं, इस सबका दशमलव शांत है। 25/100, इधर 75/100, और यहाँ पे 355/1000 लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं 25/10 का वर्ग, इसको लिख सकते हैं 75/10 का वर्ग, इसको लिख सकते हैं 355/10 का वर्ग। बिल्कुल लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए, आप ही बताइए। अरे भाई, आप ही बता दीजिए। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देखिए, 10 के वर्ग को और मैं क्या लिख सकता हूँ, 25/ में मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 का भी वर्ग और 5 का भी वर्ग। आप मिला लीजिएगा, बताइए इस बराबर 75/ में 2 का भी वर्ग और गुणे 5 का भी वर्ग, और यहाँ पे 355/2 का भी वर्ग गुणे 5 का भी वर्ग। यानी कि देखिए, जिसका दशमलव अशांत है उसके हर का यदि आप प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सब 2 या 5 के कुछ ना कुछ पावर में ही आएगा, या तो दोनों आएगा या तो कोई एक आएगा। याद रखिएगा, इन दोनों के अलावे कोई एक गलती से यहाँ 3 है ना, तो फिर इसका दशमलव अशांत हो जाएगा, है ना, बौखला जाएगा। ये रहना चाहिए, यानी कोई भी किसी का भी हर 2 पावर m और 5 पर पावर n, या 2 पर पावर n या 5 पर पावर m, कोई भी रहे, इन्हीं दोनों के रिस्पेक्ट में यदि रहेगा तो उसका दशमलव अशांत होगा। उसको चेक करने के लिए हर चेक करना पड़ेगा। पहला प्रश्न में आपको बोला है कि 35/10। अब देखिए इसको चेक करिए, 35/2×5, इसको हम देख पा रहे हैं ना, 35 यहाँ पे क्या है, हर 2 पर पावर 1, 5 पर पावर 1, यानी 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के बराबर इसी रूप में दिख रहा है, इसीलिए इसका दशमलव का होगा शांत होगा। प्रश्न संख्या 2 पे आइए। देखिए, सबसे आसान सवाल है, हमारा फेवरेट सवाल और आपका भी, आपके परीक्षा में ये जो दोनों फॉर्मेट हैं ये हर बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ये याद रखिएगा। ये छपने चेक के लिए जा चुका है। देखिए यहां बोला गया है y बराबर है आपके px के, और यहां पर आपको देखना बस ये है px पे, यानी x एक्सिस पर कितनी जगह पे ये रेखा इसको प्रतिच्छेदित करती है। देखिए यहां पे 1, 2, 3, 3 जगह पे। उत्तर कितना हो जाएगा, 3। तीसरे प्रश्न पर आइए, प्रश्न है जांच कीजिए कि x+1/x = 1/3 एक द्विघात समीकरण है कि नहीं। आइए पधारिए, x+1/x = कितना है, 3। तो ऐसे में क्या करेंगे कि लेट अस चेक कि ये हमारा जो है ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अब इसको कैसे करेंगे, आप सभी जानते हैं कि इसको हम इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, मतलब कुछ नहीं है। तो ये देखिए 1 है, बटा का जोड़ जैसे बनाइए, x होगा, ये x² + 1 = 3, ये x² + 1 = 3x, इसको इस तरफ लाएंगे x² + 3x, अबे यार -3x + 1 = 0। व्हाट डज इट मीन, ये मत बताता, ये है आपको कि देखे यहाँ पे घात कितना है, 2 है, और जिस समीकरण का घात 2 रहेगा वही तो द्विघाती समीकरण है कि नहीं। अरे है कि नहीं, लिखिए जल्दी बताइए। देखिए अगला प्रश्न जे रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए मान निकालिए, प्रश्न संख्या 4, मान निकालिए sin 47/cos 43। आइए, तो आपको बोला जा रहा है sin 47/cos 43। अब ऐसे में ऊपर वाले को मैं चाहूं
तो 90 में से 43 घटा दू क्या 47 लाने के लिए? अरे 47 को 90 में से 43 घटाएंगे तो 47 ही तो आएगा, तो बतिया इस बराबर है अभी कॉस 43। अभी तक तो बतिया बराबर थी, अब गड़बड़ ये है कि साइन 90 माइनस थीटा बदल के कॉस थीटा हो जाता है, यानी साइन 90 माइनस 43 का मतलब हो जाएगा कॉस 43 बटे नीचे भी कॉस 43। ये कट गया, बन गया 1, और यही होगा आपका उत्तर। चलिए अगला प्रश्न, चौथा नंबर था, पांचवा नंबर। अंक गणितीय श्रेणी में 1 -1 -3 -5 के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर निकालिए। देखिए ये आपके एपी से है ना, समांतर श्रेणी से है। तो देखिए एपी है क्या, एक, और पहले तो समांतर श्रेणी का मतलब है जिसके हर दूसरे अंक के पहले अंक से घटाएंगे तो समान उसका जो अंतर आएगा वो बराबर आएगा, तभी उसको हम कहेंगे कि ये समांतर श्रेणी में। प्रश्न है एक है माइनस एक है और माइनस तीन और माइनस पांच। आइए पधारिए, देखिए यहां तो हम यहां पे पहला टर्म एक किसको कहते हैं, ए को हम पहला पद कहते हैं, पहला पद ये कितना है एक है। आइए दूसरा, हमको डी यानी सार्व अंतर निकालना है, हम यहां लिखेंगे ए वन का मान है एक, ए टू का मान है माइनस एक, यानी कि तीसरे पद का मान है माइनस तीन और चौथे पद का कितना है मान माइनस पांच। यही तो है सार्व अंतर निकालने का तरीका, ए टू माइनस ए वन होता है कि नहीं होता है बताइए जल्दी कमेंट में। ए टू में से यानी माइनस एक में से देखिए माइनस एक में से माइनस एक को घटाएंगे माइनस टू आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, मेरा मन किया हम थोड़ा इससे भी निकाल के देखते हैं। तो माइनस तीन में से ए थ्री का मान माइनस तीन में से माइनस में से भी माइनस एक घटाना है तो माइनस तीन माइनस माइनस मिलकर प्लस हुआ और ये भी माइनस टू हुआ। चलिए कोई बात नहीं, यहां भी देख लेते हैं ए पर पावर चार में से ए पर मतलब ए थ्री को घटाइए तो भाई साहब ये हो जाएगा आपका माइनस पांच में से भी माइनस पांच को माइनस तीन को घटाइए माइनस पांच प्लस तीन। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा सार्व अंतर कितना निकल के आ गया माइनस दो। चलिए उम्मीद करते हैं सब क्लियर हो गया शीशे की तरह। प्रश्न संख्या छह, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। चलिए अर्धवृत्त का जो परिमाप है वो है यदि 36 सेंटीमीटर, ठीक है, तो उसका व्यास करिए ज्ञात। आइए पधारिए, देखिए ये है आपका अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त और इसका परिमाप आपको दिया गया है, ये इसका केंद्र है। आप सूत्र लिखिए, कितने कितने बच्चे ये कहेंगे कि सर पाई आर स्क्वायर बटा टू होगा, क्योंकि सर ये सॉरी कितने बच्चे इस फेवर में है कि सर इसका जो सर वृत्त का होता है टू पाई आर तो इसको दो से भाग दे देंगे यानी पाई आर होगा सर इसका इसका परिमाप। हमने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हैं, नहीं अपने सपने में सही बोल रहे हैं, ये गलत है। देखिए परिमाप का मतलब होता है कि सबका लेंथ, इसका लेंथ निकालेंगे पहले तो यानी इसकी लंबाई, तो हम इससे तो हमको इसकी लंबाई मिली ना, पाई आर से हमने इसकी लंबाई तो निकाल ली, लेकिन ये दोनों ये त्रिज्या ये भी त्रिज्या प्लस में टू आर और यही आपको दिया है कितना 36 दिया है ना, ये दिया है आपको 36 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे आर लीजिए कॉमन, पाई को लिखेंगे 22/7 प्लस टू, ठीक है 36 या 36, यार बड़ा इंग्लिश हिंदी मिक्स हो जाता है, सॉरी, क्या है कि हम पढ़ाई किए बेसिस है ना इसीलिए ऐसे होता है। चलिए 22 + 7 × 14, ठीक ये हो गया हमारा 36। आप पाएंगे आर बर
चलो कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 पे आइए। देखिए, अर्धवृत्त क्या होता है? आधा वृत्त। आप जानते हैं कि यह है हमारा आधा वृत्त। है ना, ये अर्धवृत्त, ये है इसका केंद्र बिंदु, मतलब जिसको ओ मान लेते हैं। लीजिए, ये इधर भी आर, इधर भी आर। आप जानते हैं कि अर्धवृत्त का जो परिमाप का दिया गया आपको, इसका परिमाप 36 सेंटीमीटर। आप जानते हैं इसका जो परिमाप का सूत्र होगा, पाई आर प्लस 2 आर होगा। कितने बच्चे ये सोच रहे हैं कि 2 पाई आर बटे 2, यानी कि पाई आर होगा सर खाली? मैंने बोला कि आप गलत सोच रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे आर ले लीजिए कॉमन, पाई प्लस 2 इज इक्वल टू 36, आर 22/7 जोड़ 2 बराबर 36, आर बराबर में 22 जोड़ 7 दूनी के 14/7 बराबर हो जाएगा हमारे 36। ये 22 4 26 और 10 36/7 बराबर है 36। देखिए, ये कट गया, आर का मान 7 सेंटीमीटर निकल के आएगा। बुझ गए कि नहीं? कितने लोगों को समझ में आ गया, जल्दी कमेंट में लिख के बताइए मुझे। सातवें पे आइए। आकृति में डीई समानांतर है बी सी के, और यदि एडी बटा डीसी जो है वो आपको यहां पे दिया गया आकृति में, देखिए यही पे बता देता हूं। तो ये जो दिया गया है आपको, एडी बटा डीसी आपको दिया गया है, ये आपको दिया गया है। देखिए, एडी बटा बीडी दिया गया है, ये वाला दिया गया, एडी बटा बीडी दिया गया है। ये बीडी है, ये आपको दिया गया है, और यहां पर आपको दिया गया है ये बीडी है। तो बच्चे आइए, अब हम देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न आपका देखिए क्या है, एडी बटा बीडी बराबर 3/5 है, ठीक है? तो आइए इसमें हम बनाते हैं इसको अच्छे से। भाई, इसमें त्रिभुज एक आपको दिया गया हुआ है, देखिए ध्यान से, आपको उसमें नहीं दिख पा रहा यदि सवाल में तो मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ये त्रिभुज है, ये एडी है, और इस तरीके से है ए बी सी और डी ई। ये इस प्रकार से त्रिभुज है, ए बी सी डी ई। आपको प्रश्न में दिया गया है कि एडी बाई बी डी बटा बी डी दिया, पांच 3/5 है ना, 3/5 दिया गया है, और आपको एसी भी दिया गया है 4.8। आप सभी देखिए, आप सभी जानते हैं कि जब यहाँ पे मैंने लिख दिया कि डी ई समानांतर है बी सी के, इसका मतलब आप थेल्स थ्योरम से याद कीजिए। थेल्स थ्योरम ये कहता है कि यदि कोई भी त्रिभुज है और उसको समानांतर कोई रेखा यदि काटे बिल्कुल उसके एक एक भुजा के, तो उसको एकदम बराबर अनुपात में, दो त्रिभुजों को बराबर अनुपात में बांट देगा, जैसे त्रिभुज ए डी ई और ए बी सी को। देखिए यहाँ पे, यानी यहाँ पे क्या होगा, ए डी बटे बी डी। हालांकि थेल्स थ्योरम का ये कहना है कि समानांतर जाएगा तो ए डी, मतलब जो अनुपात होगा वो इस तरीके से विभाजित हो जाएगा, ए डी बटे बी डी बराबर हो जाएगा ए ई बटे सी ई के, ये है कहना उनका, ठीक है? इस हिसाब से आइए सूत्र पर रखिए। आप एडी का मान देखिए, यहाँ पे एडी बटा बी डी तो आपको दिया गया है 3/5, और आप देखिए बच्चे एई का मान आप निकालिए, एई का मान हमको पता है क्या? नहीं मालूम, लेकिन सीई का मालूम है क्या? सीई का देखिए, आप उस आपको ये निकालने के लिए मैं ये कह दूं, बड़े वाले में से ये घटा दूंगा तो चलेगा काम,
एसी में से ए ही घटा दूंगा तो ईसी नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। एसी में से मैंने ए ही घटा दिया, एसी में से ए ही घटा दिया, हमारा ईसी निकल जाएगा। अब यहां पर देखिए ये, अब यहां 3/5 है बराबर ए ई का मान देखिए यहां पे कितना है, ए ई को ए ई ही रहने दीजिए, और ए सी का मान आपको दिया गया है 4.8 में ए ई घटाना। आइए पधारिए यहां देखिए, अब इसको हम व्रज गुणन करेंगे, वज्र गुणन या व्रज गुणन देखिए। अब यहां पे तो इसको इससे गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 3×4.8 माइनस ए ई, ठीक है, और बराबर होगा आपके 5 ए ई के, ठीक। इसको करिए सॉल्व, ये आपका हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 120, 144, एक ये होगा 14.4 माइनस 14.4, ये उधर जाके प्लस होगा ना जी, देखिए ये 14.4 बराबर ये हो हट जाएगा इधर से 8 ए ई होगा कि गलती है, देखिए इससे इसको काटेंगे आप, ए ई बराबर में 14.4/8 काटेंगे इसको, एक बार में जाएगा 8 उतर गया, 6 8 8 8 4, 1.8 सेंटीमीटर आएगा, ये हो गया उत्तर। यही आपसे पूछा था, यहाँ पे आपसे पूछा क्या है प्रश्न में, देखिए ए ई ज्ञात कीजिए, यही तो पूछा था, आ गया उत्तर। प्रश्न अगला, किसी वृत्त की अधिकतम कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखिए एक ही, आप किसी भी वृत्त पर एकदम समानांतर रेखाएं जैसे खींचेंगी कि अधिकतम कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, यहां पे एक नहीं अनेक होगा, अनंत होगा। कैसे, देखिए एक वृत्त पर आपको स्पर्श रेखा खींचने का बहुत सारा है, देखिए ये वृत्त हो गया हमारा, नहीं बन पाया, ये है, खींचिए कितना खींचेंगे स्पर्श रेखा, जितना मन खींचिए एकदम अनंत होगा, आपकी मर्जी आप जितना खींच लीजिए, यानी अनंत रेखाएं आप खींच सकते हैं। चलिए तो ये तो ठीक था, आगे पधारिए, प्रश्न संख्या अगला देखिए 9वां, घटना ई प्रायिकता, ई की प्रायिकता और घटना ई डैश की प्रायिकता मतलब का योग क्या होगा, यानी होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता, देखिए यहाँ पे ई होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता का योग जो होता है वो हमेशा एक के बराबर होता है। ठीक उसी प्रकार से रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए, संचयी बारंबारता वक्र को क्या कहा जाता है, अरे भैया तोरण कहा जाता है, आपकी किताब से डायरेक्ट है। देखिए एक द्विघात बहुपद लिखिए जिसके शून्यकों का योग -3 और उसका गुणनफल 2 होता है, समझ गए। एक द्विघात बहुपद लिखिए जिसके शून्यकों का योग क्या होता है और उसका गुणनफलों का योग, देखिए आइए देखिए, आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है किसी भी बहुपद का, तो देखिए होता है ax² + bx + c होता है, या इसको दूसरे शब्दों में हम प्रूफ करके आपकी किताब में दिया गया है, α+β x + α×β। अब बस मान रख दीजिए, आपको किताब में दिया गया α/β, सवाल में दिया गया कितना है, दोनों का योग कितना है -3 और दोनों का गुणनफल है 2, बस रख दीजिए x² माइनस में भी -3, इसकी जगह इसका मान रख दिया +2, x² + 3x + 2, यही आपका बहुपद बनेगा, बुझ गए। चलिए उम्मीद करते हैं आप बुझ गए होंगे, समझदार तो हैं ही आप, बचपने के तो समझदार हैं आप। प्रश्न है कि टेन ए का मान आपको दिया गया है यहाँ पे 3/4, आपको पूछा जा रहा है कॉस ए और कॉसेक ए का मान बताइए, तो चलिए कोई बात नहीं, इसको भी हम बनाएंगे,
टेन ए का मान आपको दिया गया 3/4। आप एक त्रिभुज बनाइए और त्रिभुज का नाम दीजिए ए, और इधर दीजिए बी, और ये दीजिए सी। आप सभी जानते हैं टेन ए का मान 3/4 देने का मतलब है ये लंब का काम करेगा, ये आधार का, इसके लिए लंब का काम ये करेगा, इसी के लिए आधार का काम ये करेगा। आप सभी जानते हैं इसमें हम लिखेंगे बीसी का जो वर्ग है, बीसी का वर्ग पाइथागोरस थ्योरम प्लस एबी के वर्ग को हम यदि ये जोड़ देंगे तो ये हमारा बराबर आएगा एसी के वर्ग के, होता है पाइथागोरस से। चलिए इसका मान रखिए 4 का वर्ग जोड़ 3 का वर्ग बराबर एसी का वर्ग, है ना। के ले लेके बनाते हैं, मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, तो आप इसको कर लीजिए, लीजिए लीजिए लगा दिया थे, यहाँ भी के ले लीजिए 4 के और ये के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो गया आपका 4 चौके 16 के स्क्वायर, ठीक है। इनको जोड़िए 25 के स्क्वायर एसी के स्क्वायर, एसी का मान क्या हो गया 5 के हो गया। आइए यहाँ लिख दीजिए भैया आप, हो गए 5 के। अब हमको पता है क्या निकालना है, कॉसेक ए। कॉसेक ए किसका किसका अनुपात बताता है, साइन का उल्टा होता है, साइन लंब और कर्ण का बताता है, ये कर्ण और लंब का बताएगा, यानी कि 5/3 के, 5/3 हो गया अनुपात, 5/3 है। अगला कॉसेक ए है और एक हमारा कॉस ए है, कॉस का बताइए किसका अनुपात बताता है, जल्दी कमेंट में लिखिए। वो आधार और लंब का बताता है, आधार का काम करेगा इसके लिए 4 के, और लंब का काम करेगा उसके लिए 3 के। कितना हो गया बताइए, 4/3 ये होगा आपका उत्तर। चलिए आगे आते हैं। अबे यार, अरे देखिए कॉस क्या करता है, आधार और कर्ण का बताता है ना, तो ये 5 के होगा और ये 4/5 होगा, ठीक है, और वो हमारा है 5/3, ठीक है। वो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या अलग, अगला वाला है प्रश्न आपका कि यदि पी एक्स वाई की दूरी बिंदु A36 B-34 से समान है तो सिद्ध कीजिए कि 3x+y बराबर है 5 के। आइए यदि पी एक्स वाई की जो दूरी है, मान लेते हैं ये कोई बिंदु है, यहाँ पे एक है बिंदु और यहाँ पे भी कोई एक बिंदु है, इसका आपको मान दिया गया 3/6 -3 और ये है 4, ये ए मान लो ये बी मान लो, ठीक है। आइए हम यहाँ पे ये प्रश्न कह रहा है कि एपी बराबर है बीपी के, क्यों बराबर है भाई, देखिए एपी निकालने का सूत्र, देखिए एपी निकालने का क्या होता है, दूरी सूत्र से रूट में, भाई यहां पे लिखेंगे x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर। देखिए यहां पे एपी को हम लिखेंगे, यहां लिखेंगे x-3 का वर्ग जोड़ y-6 का वर्ग। अगला बीपी को क्या लिखेंगे हम, रूट में एक्स माइनस में भी माइनस होगा तो +3 का वर्ग जोड़ y-4 का वर्ग। देखिए इसको इसमें उसी सूत्र पे रख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का मान यहाँ रखिए रूट में, देखिए इसको मैं तोड़ते चल रहा हूं, अभी इसको तोड़ेंगे होगा हमारा x²+9-6x+y²+36-12y = √√x²+9
प्लस सिक्स एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 वाई। आप जानते हैं रूट और रूट खत्म हो जाएगा, और इधर से हमारा एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस में है, इधर भी प्लस में, ये भी खत्म। वाई स्क्वायर इधर भी है, ये भी खत्म। अब हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि 6x और इस 6x को उस तरफ लेके जाएंगे, इधर से इस सबको उस तरफ लेके चलिए। तो उस तरफ में हमारा है अभी 9 प्लस 6x प्लस 16 माइनस माइनस है हमारा ये कितना था, वाई स्क्वायर 8y है ये, ठीक है, माइनस 8y। इसमें इस तरफ आएगा -9 प्लस 6x +36 प्लस 12y = 0। अब देखिए यहाँ पे 16, 9 और 16 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और आप देखिए यहाँ से पहले तो सबको जोड़ दीजिए, यहाँ से ये 9 और ये 9 गया है ना। अब देखिए ये 16 और ये दोनों को जोड़ेंगे, परंतु उससे पहले देखिए इसको उसमें से घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4y। और यहाँ पे 6x है ना, 6x को जोड़ेंगे 12x, यहाँ कितना बच गया, 36 और 6 42। यहां पर हम लिखेंगे 4 कॉमन ले लिया तो y प्लस 3x बराबर, ये उस तरफ गया -42, प्लस था उधर गया 4 से, ये कटेगा नहीं कटेगा, दो बार में तो जरूर जाएगा, चलिए 2 ही लीजिए कॉमन, तो 2y प्लस 6x = 42, ये गया 21 बार में, माइनस में है। अब हम यहां पे लिखेंगे ठीक, वैसे ही देखिए ये 9 भी चला जाएगा, इधर भी प्लस में है, अब देखिए ठीक उसी तरह से ये जो 9 है यहाँ पे प्लस में, ये भी चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या हमारा रह गया है, इन सबको हम अब सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए तो सबको उस तरफ लेके चलेंगे, ये जो है हमारा सारा उस तरफ जाएगा, जैसे उस तरफ में पहले इन्हीं को लेके जा रहे हैं, इन्हीं को लिख, पहले तो इधर वाले लिखेंगे 6x प्लस 16 माइनस 8 वाई, यही तो है ना, एक ये है और ये है, और ये वाला -6x इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस वाला इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और ये प्लस वाला है इधर आएगा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे करते हैं ये बराबर होगा 0 के ना, क्योंकि हम इस तरफ से सारा ही लेके चले गए उस तरफ, 6 और 6 12x, 12x और 12 में से 8 जाएगा 4y, ठीक है, 4 8y और 12 में से 8 गया, ये 4y हो गया, और ये प्लस में ही रहेगा। और यहां पर आप देखिए 16
और 36 ये घटेगा यदि 16 उसमें से, तो -20 बचेगा बराबर 0। अब ये हमारा रहेगा, चार कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा 3x+y, और अभी के लिए -20 उस तरफ भेज दिए रहते हैं हम, तो +20 चार से ही गया पांच बार में, 3x प्लस वाई बराबर है कितने के, 5 के, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि अब ये सिद्ध हो गया। चलिए बहुत बढ़िया बच्चे लोग, प्रश्न देखिए अब 14 नंबर आपके स्क्रीन पर होगा। ये प्रश्न 14 कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल हो तो सिद्ध कीजिए, बराबर हो के क्षेत्रफल यदि बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। आइए देखते हैं, बराबर छूटा हुआ यहाँ पे, किताब में सही होगा। यदि ये है त्रिभुज और एक ये ए बी और ये हमारा सी है ना, और मैंने एक और त्रिभुज यहाँ पे किया है, यहाँ पे हमको पता है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, क्या लिख सकते हैं आप जानते हैं कि यदि एक और त्रिभुज बनाएंगे ना बी ई और एफ, अब देखिए यहां पर बोला गया है यदि जो है समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल यदि बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, तो एरिया ऑफ ये और एरिया ऑफ डी ई एफ यही बोल रहा है आपको कि यहाँ पे किसी भी, तो प्रश्न ये कह रहा है कि यदि कभी भी जो समरूप त्रिभुज हैं उनका क्षेत्रफल यदि बराबर हो जाता है तो वो क्या रहेगा आपका, वो हमें उनकी जो भुजाएं होंगी, मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, इसका मतलब है। देखिए तो यहाँ पे आपको दिया कि हम लिखेंगे एरिया जो है वो ए बी सी का, किसका है भाई, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का। आप सभी जानते हैं कि ऐसे में क्या होता है कि उनके संगत भुजाओं का जो होता है ना, यदि आप एरिया निकालेंगे, आपको दिया गया है यहाँ पे एरिया बराबर है त्रिभुज डी ई एफ के, यही तो है आपको ये दिया गया है। जब ये आपको बराबर दे दिया जाए, और यहाँ पे ये याद रखिएगा कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं इसको हम क्या करेंगे, इस तरफ लेके आएंगे, तो ये एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया त्रिभुज डी ई एफ, अब क्या हो गया, ये अनुपात हो गया। और आप जानते हैं कि दो त्रिभुजों का जो अनुपात होता है वो बराबर बराबर होता है उनके संगत, क्योंकि ये दोनों समरूप दिए गए हुए हैं तो उनके संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होते हैं, के अनुपातों के वर्ग के बराबर। जैसे देखिए ए बी और डी ई, ए बी बटा डी ई के वर्ग के बराबर होगा, और ये भी बराबर होगा किसके, ए सी बटा डी एफ इसके वर्ग के, और ये भी बराबर होगा बी सी बटे ई एफ के वर्ग के। आप जानते हैं जब प्रश्न में दिया है ये और ये बराबर हैं, इसका मतलब ये कट के यहाँ क्या हो गया, वन हो गया। ए बी का जो वर्ग है वो डी ई के वर्ग के बराबर है, और ए सी का जो वर्ग है वो डी एफ के वर्ग के बराबर है, और बी सी का जो है वो ई एफ के वर्ग के बराबर है। अब एक एक को ले लीजिए, यहां से हमको पता चलेगा ए बी का जो वर्ग है वो डी ई का बराबर है, सबको एक एक बार एक एक से बराबर कर देंगे, यानी कि ए बी बराबर है डी ई के, ठीक। इसी प्रकार से इसका एक के साथ बराबर करेंगे, देखिए एक के भी बराबर है, तो ए सी का वर्ग बराबर होगा डी एफ के वर्ग के, यानी ए सी बराबर हो जाएगा डी एफ के, ठीक। उसी प्रकार से यदि इसके साथ लेंगे तो बी सी का जो वर्ग आएगा वो ई एफ के बराबर आ जाएगा वर्ग के, यानी बी सी बराबर आ जाएगा ई एफ। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा।
पीहू दो भिन्न भिन्न सिक्के को एक साथ उछालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित प्रवृत्त करेगी। चलिए, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता निकालनी है आपको, सिंपल भाषा में बताया जाए। देखिए, आप कभी भी सिक्के को उछालेंगे तो क्या क्या चांसेस बनते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। लेकिन इसने कितनी बार उछाला है, दो भिन्न भिन्न सिक्कों को उछाला है, किसने? पीहू ने। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, देखिए, दो सिक्कों को एक बार मान लेते, दोनों को उछाला है, एक पे हेड आएगा और दूसरे पर भी हेड आ जाए, है ना, अगला वाला। एक पे हेड आएगा, हो सकता अगले पे टेल आ जाए, या हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए, या ये भी हो सकता है कि एक पर टेल आए और इस वाले पे हेड आए। तो कोई भी है, आपको प्रश्न में यानी कि टोटल संभव कितने परिणाम हो सकते हैं, 1 2 3 4। तो संभव किसी की भी प्रायिकता निकालते हैं हम, तो नीचे संभव परिणाम लिखते हैं 4। और बताइए अनुकूल परिणाम, यहाँ पे कितने अनुकूल परिणाम होंगे आपके हिसाब से, देखिए और बताइए। यहाँ पर उसको चीत प्राप्त करने हैं, कम से कम एक, यानी दो को भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दो और ये नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ एक को चीत नहीं है, यहाँ लिखेंगे अनुकूल परिणाम 3। इसलिए इसका कैसे बनेगा आपके किताब में दिया हुआ है, पर मेरा काम है बस समझा देना। देखिए प्रश्न संख्या 16, दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर आने वाले अंकों के अंतर एक आने की प्रायिकता। पहले तो आप जब दो डाइस को उछालेंगे लूडो खेलते वक्त, तो किस पर कितना आएगा, देखिए लिखना पड़ेगा सैंपल स्पेस क्या होता है। तो देखिए, हो सकता है सब पे एक आए, भाई एक एक अगले पे दो आ जाए, पहले पे एक ही आए अगले पे तीन आ जाए, पहले पर एक ही आए अगले पे चार आ जाए, पहले पे एक ही आए अगले पे पांच आ जाए, पहले पर एक ही आए अगले पे पांच आ जाए। इस प्रकार से लिखेंगे, दो एक दो 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 तीन दो चार दो पांच और ये हो गया दो छः। हो सकता है पहले वाले पे तीन आए और सब पर एक आए, मतलब अगले पे दो, ये देखिए इसी प्रकार से चार चार दो चार तीन चार 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 पांच चार छः। अगले पे लिखिए, पांच एक पांच दो पांच तीन पांच चार पांच पांच और ये पांच छः। अगले पे हो सकता है कि छः और अगले पे एक आ जाए, छः दो, पहले वाले पे सब पे छः आए और देखिए टोटल संभव परिणाम इतने हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अनुकूल परिणाम आपको क्या चाहिए, जिसके अंतर एक है, अंतर एक गिनिए आप, यहां पे अंतर एक नहीं है, यहां पे है एक, यहाँ पे दो का अंतर है, यहाँ पे तीन का अंतर है, घटा घटा के चेक कर लीजिएगा, चार यहाँ नहीं है, यहाँ है दूसरा अंतर, तीसरा यहाँ है, चौथा इधर नहीं है, पांचवा नहीं यहाँ, छठ ये हमारा कौन सा है, एक हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, अब कहीं नहीं है, छः हो गया, सात हो गया, सात हो गया, आठ हो गया, ये नौ हो गया, ये 10 हो गया। कितना है टोटल अनुकूल परिणाम, 10। संभव परिणाम गिनिए, 6 6 का 36 है, 36, 2 5 10 18 बार में गया, 5 बटा 18 इसकी प्रायिकता होगी। और नहीं होने की प्रायिकता कोई पूछ दे तो एक में से इतना घटा देंगे, वो उसकी नहीं होने की प्रायिकता निकल के आएगी। प्रश्न संख्या 16, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके 420 और 272 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके 420 और 272 का, देखिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि
420 बड़ा कौन सा है, 420 बड़ा है कि 272 बड़ा है? हम यहाँ पे लिखेंगे 420 जो है वो बड़ा है किससे, 420 बड़ा है 272 से, है ना बड़ा, ठीक है। अब आपको यहाँ HCF ज्ञात करना है। आप एक बात का ध्यान रखिए यहाँ पे कि आपको मतलब जो यूक्लिड डिवीजन जो है वो ये कहता है, यदि कोई ए संख्या है इसको यदि किसी बी संख्या से भाग दिया जाए तो इसका भागफल क्यू आएगा और इसका शेषफल आर आएगा, और हमेशा आर जो है छोटा, आर जो है वो छोटा रहेगा बी से जब तक चलेगा ये। अब यहाँ पे हम ये करेंगे, वही चीज यहाँ पे है, ये इससे छोटा है, 420 को हम लिखेंगे 272, देखिए इसको हम लिखेंगे 272 गुणे 1 प्लस 148 लिखेंगे। अभी भी देखिए हमको दिख रहा है कि 148 अभी भी छोटा है 272 से, इसीलिए अब हम 272 को इधर लिखेंगे और 272 को 148 को कितने बारी गुना करेंगे बताइए, 148 को कितने मतलब बारी गुना करेंगे 272 को करने के लिए, देखिए एक बार करेंगे तो 148 और जोड़ेंगे तो ये प्लस 124 आ जाएगा ना, ठीक है। अभी भी देखिए 124 जो है अभी भी छोटा 148 से, जीरो जब तक नहीं होगा कोई तब तक काम नहीं होगा, शेषफल जीरो हो जाना चाहिए। अब हम लिखेंगे यहाँ पे अब 148 के बारे में, 148 को 124 को हम कितने बारी गुना करेंगे बताइए, एक बार तो ये बचेगा 24, है ना। तो अब अभी भी देखिए 24 जो है वो अभी भी छोटा है 124 से और ये अभी जीरो नहीं हुआ है, 124 को इधर लिखेंगे और यहाँ पर 24 गुने 5, अबे यार 5 प्लस कितना 4, अभी भी देखिए 24 बड़ा है अभी भी 4 से, अभी भी ये जीरो नहीं हुआ है, तो अब 24 का कहानी लिखेंगे। कहानी लिखते वक्त ये बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे 4 को 6 बार करेंगे गुना तो पूरे कट जाएगा और यहाँ शेषफल जीरो हो जाएगा, इसीलिए 4 जो है इसका क्या होगा, 4 इसका क्या होगा, इसका HCF हो जाएगा। देखिए आप, आपको यहाँ पे ये बताना है कि 7√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, सिंपल है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये अथवा वाला सवाल है। देखिए हम मान लेते हैं कि 7√5 जो है ना वो एक परिमेय संख्या है और इसीलिए ये P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, P बटा Q के ये रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर P और Q जो है वो पूर्णांक है और आप जानते हैं कभी भी पूर्णांक हम यदि बटा में रहेगा, पूर्णांक मतलब इस तरीके से P बटा Q के रूप में, तो वो परिमेय संख्या ही होता है। चलिए तो रूट पांच और मैं इस 7 को इस तरफ ला दूं, पी बटा में 7 क्यू, अभी भी देखिए पूर्णांक में पूर्णांक को गुना किया हूं, अभी भी पूर्णांक है, इसका मतलब ये अभी भी परिमेय संख्या है और हमने इसको परिमेय संख्या पहले से मान रखा है। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो आप समझ गए होंगे, तो अब देखिए ये जब परिमेय है तो क्या ये भी तो परिमेय होना चाहिए, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन आप बताइए क्या रूट पांच परिमेय संख्या है? जी नहीं, ये अपरिमेय है, ये हमको पता है, इसीलिए कहा गया कि हमने जो अवधारणा मानी थी कि ये एक परिमेय संख्या है और उसको पी बटा क्यू के रूप में जबरदस्ती लिख के हम चेक कर रहे थे, ये हमारी अवधारणा गलत थी, क्योंकि 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगा, क्यों, भले 7 मानता हूं परिमेय संख्या है लेकिन रूट पांच अपरिमेय संख्या है और परिमेय और अपरिमेय का संख्या का योग जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। नहीं, 17 चलिए सरल करना है आपको, 3x बटे
दो -5y/3 इज इक्वल्स टू -2। अगला है x+3+y/2 बराबर है 13/6 के। सॉल्व करिए इसको, इसको करिए 9x+10y और बटे में 6 रहेगा जो कि लीजिए लिख दे रहा हूं 6 -2 9x-10y -12 के समीकरण 1 है। इधर लिखिए यहां भी बटा में 6 आएगा 2x+3y ठीक है बराबर 13/6। देखिए 6 से 6 कट जाएगा 2x+3y बराबर हो गया या इक्वल हो गया 13 के। अब आपको क्या करना है, किसी एक को किसी के बराबर बना दीजिए। किसको बनाएंगे, देखिए इसको आप कर लीजिए 10 से गुना और हम इसको कर देते हैं 3 से गुना। मान लेते ये समीकरण नंबर 2 था, इसको गुना करिए ये हो जाएगा 27x-30y बराबर -36। इधर देखिए 20x+30y इज इक्वल्स टू 130। अब यहाँ ये सब तो ठीक है, अब आप सभी जानते हैं कि इसको इसको सॉल्व करेंगे। लाइए उसको यहाँ पर रखिए 20x+30y 130 ये खत्म हो गया 27 और 20 47 कितना हो गया ये 27 और 20 47 x और यहाँ पे हो जाएगा 94। दो बार में x का मान 2 उठा करके किसी में भी रख दीजिए। चलिए मैं इसमें रख रहा हूं 9x-10y इज इक्वल टू -12 था, हमने x का मान यहाँ रखा 9 × 2 - 10y इज इक्वल टू -12। इसको इस तरफ इसको उस तरफ 10y प्लस में हो गया, ये इधर आया 9 × 2 = 18 जोड़ में 12 10y = 30 का मान 3 हो गया। तो ये हमारा हो गया। हेलो देखिए इसको ग्राफीय विधि से हल करना है और ये प्रश्न संख्या 18 है आपके किताब की। आइए करते हैं। देखिए आपको सभी जानते हैं कि रैखिक समीकरण को हल करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, ग्राफीय विधि से करना भी एक उसी का भाग है और उससे भी किया जाता है। चलिए करके देखते हैं। आइए तो यहाँ पे सबसे पहला है, देखिए समीकरण 2x-y = 2 4x-y = 4 ये हो गया। अब यहां पर आपको क्या करना है कि इसका हल निकालिए। जैसे मैं लिख दूं यहां पे y का मान, इसको उस तरफ भेजेंगे 2x-2 के बराबर होगा। बक्सा बनाइए, x रखेंगे तो y क्या मिलेगा हमको, 2 ही लिखेंगे। चलिए 2 से काम हो जाएगा। x का मान यदि मैं 0 मान लूंगा तो y भी 0। देखिए x की जगह 0 तो 2 × 0 = 0, नहीं यार ये -2 हो जाएगा -2। यदि मैं x की जगह 1 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 रखूंगा तो y 0।
बन गया एक दो बिंदु, एक बिंदु बना 0-2 और एक बिंदु बना 1 और 0। दूसरा अगला, ये अगले पे, यहां पे हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 4x-4, ऐसे लिखा जा सकता है। अब आइए, हमने कहा ठीक है x और ये y, x का मान हम यदि मैं यदि 0 रखूंगा तो y का मान -4, यदि मैं x का मान 1 रखूंगा तो 4 में से 4 चला जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां भी दो पॉइंट मिले हमें, एक 0-4 और एक है 1-0। ठीक है, ये अगला। अब यहां पर हम देखिए क्या करने वाले हैं, लीजिए आपके लिए मैं ग्राफ पे भी बना ही देता हूं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये ग्राफ दिख रहा होगा बड़ा बड़ा सा। ठीक है, लीजिए, तो हम इस पे अब लिया ये स्केल, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, हो गया एक्स एक्सिस। स्केल भैया जाइए घर है। अब देखिए हम यहां लिखेंगे, मैं थोड़ी दूरी दूरी पे लिखूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4। चलिए पॉइंट देखते हैं, पॉइंट है 0 और -2। पहला है एक्स पर 0, वाई पर -2। देखिए वाई पर -2 और एक्स पर 0, यानी एक पॉइंट यहां होगा जो कि 0 और -2 वाला है। अगला है 1-0, एक्स पर 1 लेकिन वाई पर 0, एक पॉइंट यहां होगा। चलिए इसके लिए एक लाइन खींचिए, खींचिए यहां पे लाइन, तो हमको इस दोनों बिंदु से गुजरने वाली एक रेखा खींचनी होगी। हाँ, खींच दिया। अगला है 0 और -4, एक है एक्स पर 0, वाई पर -4। अबे यार, तो देखिए यहां पर है हमारा -4, एक्स पर 0 और एक है 1 और 0, एक्स पर 1 और वाई पर 0, एक्स पर 1 है और वाई पर 0, ये दोनों है, दोनों में 1 और 0 दोनों में कॉमन है, तो एक है यहीं पे, 1 और 0 दोनों के लिए है, ये दोनों में है। ये स्केल लाइए, यहां से उठाइए और इन दोनों बिंदु पे रखिए इसको। मिल गया, हो गया। कहाँ कटे ये? आप कहेंगे 1-0 पे कटे हैं, तो मैंने बोला आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका उत्तर आ गया है। एक्स का मान 1 आया और वाई का मान 0 आया, यही समझ गए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 19, किसी अंक गणितीय श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद, यानी समांतर श्रेणी के प्रथम तथा अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं, तो सार्व अंतर 9 है, तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है? याद रखिए यहां पर आपका दिया गया है प्रथम पद, यानी ए का मान आपको दिया गया है कितना, 17। आपको डी का मान यानी सार्व अंतर का भी मान आपको दिया गया है, जो दिया गया है आपको 9। डी आपको 9 दिया गया है, ठीक है, आपको यहां पर दिया गया है, देखिए ए बराबर 17 और आपको दिया गया है बी का मान और एल का मान दिया गया है 350। आपको क्या करना है, और डी का मान आपको दिया गया है 9, तो आपको निकालना है कि इसमें कितने पद हैं, एन निकालना है। अरे भाई अंतिम पद 350 है, हम मान लेते हैं कि भाई अब अंतिमो पद है। मैं कह दूं भाई
टोटल मेरे पास 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, और जो 10वां बच्चा है वो बी है, तो टोटल कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं और 10वें स्थान पे बी बैठा है। बिल्कुल इसी प्रकार से ये है, यदि ये आखिरी संख्या है, इसका मतलब आखिरी संख्या होने का मतलब हम इसको मान लेंगे कि ये जो है आखिरी जो टर्म है, हम यहाँ पे सूत्र हमको पता है, ए एन बराबर मान लेंगे 350 है, तो एन निकाल लेंगे यहाँ से, 350 बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, आप सभी जानते हैं कि 350 का 350 ऐसे ही रहने देंगे, ए का मान यहाँ पे 17 रखेंगे, प्लस एन का मान ना मालूम है लेकिन डी का मान हमको मालूम है, 17 इधर आके घटेगा, ये हो जाएगा 333, और इधर रहेगा एन माइनस वन इंटू नाइन, 9 से ये कटेगा क्या? 9 से कट जाना चाहिए, 9 से ये कट जाएगा, 9 3 7 9 4 36, एन का मान आ गया 38। टोटल संख्या कितनी है? 38, और 38वें स्थान पे ही 350 है। अब हमको यहाँ पे निकालना है इनका योग। योग क्या होता है? एस एन बराबर में एन बाई टू इंटू में ए प्लस एल, यानी कि एन का मान है 38 बटे दो, ए का मान है 17, प्लस आखिरी पद कौन सा है? 350। चलिए, गए भाई साहब 19 बार में, और 19 गुने में 350, और ये हो गया हमारा 367। गुणा करिए, आपका उत्तर आएगा 20 में है कि सिद्ध कीजिए कि रूट में 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर है सेक ए टेन ए के, ए प्लस टेन ए के। चलिए, हाँ ठीक है, कुछ 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, इसका परिमेयकरण कर दीजिए, यानी 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे और ऊपर में 1 प्लस साइन ए भी होगा, दोनों जगह होगा। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस साइन ए का ये 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। अगला रूट में देखिए, यहां पे क्या हो गया हमारा, साइन ए का जो वर्ग है बटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यानी कि कॉस स्क्वायर है। अब देखिए दोनों स्क्वायर में आ गया ना, स्क्वायर रूट हट जाएगा और ऊपर में बाहर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है, इसको हम तोड़ के और लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, इसी को लिखेंगे कॉट ए प्लस सॉरी सेक ए प्लस टेन ए। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, इसीलिए लिखेंगे यहां पे लास्ट में कि सिद्ध हुआ। ये 20वां था, इक्कीस पर आइए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि जो इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप में 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। आइए देखिए, आप सभी लोगों को ये मैंने बताया हुआ है कि जब कोई रेखा है, ये ए बी, ये एक्स वन है, ये वाई वन है, एक्स टू है, ये वाई टू है, और यहाँ पे कोई बिंदु है जो इन दोनों को विभाजित करने वाली सी बिंदु है, इसका निर्देशांक एक्स और वाई, तो इसका एक्स निकालने का सूत्र होता है
M1 X2 या M2 X1, मैं डायरेक्ट याद कर रखा हूँ। मैंने सोचा है M और N के अनुपात में यदि बांटता है, M X2 प्लस N X1 डिवाइडेड बाई M प्लस N होता है, ठीक वैसे ही Y का होता है MY2 प्लस NY1 डिवाइडेड बाई M प्लस N होता है। फिलहाल यहाँ पर सबका काम कौन कर रहा है, देखिए यहाँ पे इस बार यही बस है कि यहाँ पे इस बार बिंदु दे दिया गया है 4 और -3, और इस तरफ में है 8 और 5, और इस तरफ में कितना है, ये वाला एक्स का मान आपको निकालना है। कुछ नहीं करिए, यहाँ पे वैल्यू रखिए, यहाँ पे इसका एम का मान देखिए यहाँ पे कितना है, आपको कितना अनुपात दिया है, अनुपात दिया है इसका मान 3 ले लीजिए, इसका मान 1 ले लीजिए, कहे कि M:N 3:1 के अनुपात में ये इसको बांट रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 3 × X2 का काम 8 कर रहा है प्लस N का मान 1, N का मान 1 है गुना में 4 इक्वल्स टू कितना, M प्लस N 3 और 1 को जोड़ेंगे, इसको लिखिए 3×8=24 प्लस 4/4 28/4 7। Y में देखिए MY2, एम का मान कितना है यहाँ पे और वाई टू का मान कितना है यहाँ पे, MY2 प्लस NY1, N का मान 1 है और Y1 का मान कितना है, -3 है, 15 -3/4, 15 में से 3 गया 12/4, कितना हो गया 3, यानी इस बिंदु का नाम X पे 7 आया और इस पे 3 आया, यही होगा निर्देशांक इसका 7 और 3। तो उम्मीद मैं ये करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। 21 के बाद आ जाइए 22 पे। K का मान ज्ञात कीजिए ताकि निम्न 3 बिंदु संरेखी हो। देखिए संरेखी होने के लिए मैंने बताया था कि निर्देशांक ज्यामिति में जो आपको क्षेत्रफल निकालने का सूत्र दिया गया है, वो क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज का, वो यदि 0 हो जाता है तो 3 बिंदु संरेखी कहलाएंगे, यानी एक ही रेखा पर कहलाएंगे। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो मान लेते हैं कि ये जो 3ों बिंदु दिए गए हुए हैं ये संरेखी ही हैं, और मान क्या लेते हैं इसमें दिया गया है कि ये संरेखी हो, ऐसा आपको करना ही है। तो एक बिंदु का हम मान लेते हैं X1, X2 और X3। आप X1 देखिए, बताइए बिंदु में से X1 का मान है 7, X2 का मान 5 और X3 का मान 3, Y1 का, Y2 का और Y3 का मान लेते हैं, दोनों 3ों बिंदु हैं जो अलग अलग हैं और उन सबका हम लोग को तो साफ साफ दिख रहा है, क्वेश्चन में दिया गया है, -2, 1 ठीक। और हमको पता है कि जो सूत्र होता है आ, आ, क्या बोलते हैं यार, क्षेत्रफल का इसका त्रिभुज के 1/2 × X1 × Y2 − Y3 प्लस X2 × Y3 − Y1 प्लस X3 × Y1 − Y2, ये अब देखिए X1 का मान कितना है 7, 1 − K प्लस X2 का मान कितना है 5, Y3 का मान और Y1 का मान माइनस में भी -2 प्लस X3 का मान 3, Y1 का मान -2 और Y2 का मान
ठीक है ना, प्लस वन था, मिला लेते हैं। चलिए सेवन माइनस सेवन के, ये कितने के बराबर होना चाहिए? जीरो के बराबर। ठीक है, यानी कि ये हाफ को मान लेता हम उधर भेज करके जीरो कर चुके हैं, मतलब दो उधर जाके गुना होगा तो जीरो ही तो हो जाएगा। सात माइनस सात के जोड़ पांच के, और माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया रहेगा तो दस, और यहाँ पे माइनस तीन और तीन माइनस नौ बराबर जीरो। अब यहाँ पे देखिए, दस और सात सत्रह, में से नौ गया आठ, लेकिन प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में, और इस तरफ देखिए माइनस सात के और ये है हमारा पांच के, यानी माइनस टू के बचेगा। इससे ये गया, दो से ये गया, चार बार में के का मान कितना आ गया बचवा? चार आ गया। चलिए अगला प्रश्न संख्या 23, कि 4.2 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए, उसे 5:3 में विभाजित कीजिए। ठीक है, एक रेखा खींचना है और उसको 5:3 में विभाजित आपको करना है। देखिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तई वाला लेके आइए आप, ये एक रेखा इसे डालिए, खींच दिया रेखा, और इस रेखा का नाम कितना देंगे आप? देखिए थोड़ी सी लंबी बन गई है ये रेखा। चलिए अब इसको मान लीजिए कि ये जो रेखा है ये कितनी लंबी है, 4.2 सेंटीमीटर लंबी है, ये रेखा का नाम हमने ए बी रखा। अब हमको इसको क्या करना है, देखिए 5:3 में विभाजित करना है, तीन में। हम टोटल क्या करेंगे, एक ऐसे न्यून कोण बनाएंगे और ऐसे एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, रेखा हमने खींच दिया, एक्स है, और यहां पर हम मानेंगे बराबर बराबर दूरी पे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव एक्स सिक्स एक्स सेवन और ये हो गया एक्स एट। उसके बाद हम स्केल लेंगे और ये वाला पकड़ के एकदम इसका जो अंतिम यानी जो बी पॉइंट है उसको एक्स एट से मिलाएंगे। एक्स एट हमने मिला दिया और बिल्कुल इसके समानांतर ही हमको पांच में एक दो तीन चार पांच यहां पे लाएंगे और यहां पर हम एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, और अब ये हमारा जो बन गया है, ये जो रेखा है ए बी, ये यहाँ पे नाम सी दे दिया। अब ए सी पांच और ये तीन अनुपात में ये विभाजित हो चुके हैं। तो चलिए आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कैसे बनेगा। अब परीक्षा में ऐसे नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। पहले एक रेखा खींचेंगे ए बी, फिर ए से एक न्यून कोण बनाएंगे, एक्स उसका नाम देंगे, और वहां से फिर एक बराबर बराबर दूरी में एक्स को बांटेंगे आठ भागों में, जिसका नाम हम एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर फाइव सिक्स सेवन एट तक देंगे। लास्ट में हम बी को जो है एक्स एट से मिला देंगे। फिर बिल्कुल एक्स एट बी के समानांतर एक और रेखा एक्स फाइव सी खींचेंगे और तब जा करके हमारा ए सी और बी सी, तब लिखेंगे ए सी बटा बी सी जो है हमारा वो 5:3 में हो गया है विभाजित। बुझ गए? चलिए तो ये था आपका प्रश्न, और अगला प्रश्न पे आइए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P अंकित कीजिए। देखिए ये आपको बना के इसमें दिया गया, आप देख लीजिएगा।
24वां, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर है। आइए देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि जो बाह्य बिंदु होता है वहां से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। उसके लिए बच्चा लोग आपको करना ये होगा कि यहां से एक बनाइए वृत्त ऐसे, और अब वृत्त बना दिया है तो हमको मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे बिंदु है जिसका नाम है यहाँ पे P, और यहां से हमने खींची है स्पर्श रेखा, और एक यहां से खींची है स्पर्श रेखा, ठीक है ना। ये मान लीजिए कि यहां से स्पर्श रेखा ही है, केंद्र है, ओ ए बी, ठीक है। आपको इसमें ये प्रूफ करना है कि AP जो है वो BP के बराबर है। प्रूफ करने का सबसे बढ़िया तरीका है आप त्रिभुज AOP और BOP, ठीक है, इन दोनों में देखते हैं कि कुछ कुछ है कि नहीं। देखिए मैं इसको ऊपर की तरफ लिख रहा हूं। सबसे पहले हमको पता है कि ये R है, ये भी R है, और त्रिज्या हमेशा ही बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं AO बराबर है किसके, BO के। अगला, हमने क्यों बराबर है, क्योंकि ये त्रिज्या है, लिख लेंगे यहाँ पे त्रिज्या। दूसरा, हम लिख सकते हैं PO बराबर है PO के, क्यों है, क्योंकि कॉमन है, इन दोनों में है, कॉमन है ना, देखिए दोनों में है ये, तो बराबर ही है। तीसरा, हमने लिखा एंगल OAP बराबर है एंगल OBP के। इसका मतलब बुझे कुछ, इसका मतलब ये है कि अब ये त्रिभुज AOP, ये राइट एंगल है, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का कोण है। क्यों, आप जानते हैं कि कोई भी स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, इसीलिए ये है। तो त्रिभुज AOP जो है सर्वांगसम है, कंग्रुवेंट है त्रिभुज BOP के, कैसे, तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड वाले थ्योरम से। तो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है, और ये ऐसा ही है। इसलिए जब ये तीनों सर्वांगसम है, यानी कि इसीलिए हमारा AP बराबर होगा BP के, और यहाँ पे लिखिएगा आप, सिद्ध हुआ, हो गया, सिंपल था, एकदम आसान था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, पच्चीसवा प्रश्न। 6 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। देखिए एक त्रिज्या खंड है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक त्रिज्या खंड है जो कि कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का, और हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका सूत्र आप जानते हैं सीधा सीधा, ये ओ है, ए है, बी है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो यहाँ पे 22/7 गुने 6 गुने 6, 6 गुने 60/360, यही तो है, बस मान रख दिया, 60 से गया ये 6 बार में, 6 से ये गया ऊपर में, देखिए 22 6 के 132/7 सेंटीमीटर का वर्ग इसका उत्तर आएगा। ये था पहला सवाल। एक अथवा में भी करके सवाल है, तो यहाँ पे है कि ए बी और सी डी जो है वो केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं बी और सी यहाँ पे है कि, चलिए तो यहाँ पे बनाते हैं हम लोग, त्रिज्या खंड है, दो संकेंद्रीय वृत्त है, एक ये है, एक यहां से यहां त्रिज्या दी गई हुई है, कितनी दी गई है ये 7, और यहां से यहां कितनी दी गई है आपको, 21,
पूर्ण कितना दिया गया है दोनों के लिए 30 डिग्री। क्षेत्रफल किसका निकालना है, इसका। मैंने बोला बड़े त्रिज्या खंड में से ओ ए बी सी डी, हमने कहा कि यहाँ पे बड़े त्रिज्या खंड यानी ओ ए बी में से क्षेत्रफल में से ओ डी सी को घटा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो ओ ए बी का, ओ ए बी का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल देखिए कैसे निकलेगा। आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। मैंने कहा बिल्कुल चलिए करिए, 22/7 गुने त्रिज्या सर बड़े वाले का 21 गुना 21 गुना में थीटा है 30, 360 12 चौको 12 3 साते 21 7 से गया ये 2 से गया, 2 बार में 2 से गया ये 11 बार में, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या करिए, 21 × 11/2 करिए, 21 × 11/2 उसके बाद इसका निकाले ओ डी सी का छोटे वाले का, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है सूत्र, यानी कि 22/7 गुना में 7 × 7 गुने में 30/360 होगा। देखिए तो नहीं होगा क्या, सूत्र पे रखिए ना, सबका सूत्र पे रखिए। 3 से गया ये गए 12 बार में, 7 से गया ये 1 बार में, और जाएगा कोई 2 से जाएगा 6 बार में, 2 से जाएगा 11 बार में, तो ये हमारे ऊपर में होगा 77/6, ठीक है। अब इसको उसमें से घटाइए, 21 × 11 21 × 11/2 में से घटाएंगे 77/6 को। कॉमन देखिए कुछ लिया जा सकता है क्या, 11 लिया जा सकता है, 11 कॉमन ले लिया, इधर हमारा बच गया 21/2 में से घटाएंगे 7/6, इसको सॉल्व कर लीजिए आपका उत्तर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका 25वां सवाल, ठीक है। अब